सबने? Okay, please silence. Silence. Okay. Start करते हैं. बात करना बंद करो please. बात बंद करो please. ठीक है. मैं alert कर रहा था उन students को. बाकियों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है. वहाँ की belt हमें दिखती नहीं थी. तो अब मैंने ये कैमरे का मुंह जो है इधर घुमा दिया. और ये बहुत highly focused कैमरा है. तो ये हाथ में क्या रखा हुआ है, क्या नहीं रखा हुआ है, ये भी आपको बाहर नजर आएगा. तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से. ठीक. तो अभी और कोई अपनी रोज भी शिफ्ट नहीं करेगा. अब अगर आप वहीं बैठते हो तो वहीं बैठोगे आप. ठीक. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने लास्ट टाइम कार्नोट किया. प्लीज साइलेंस. हमने कार्नोट साइकिल किया. कार्नोट साइकिल में हमने एफिशिएंसी की. प्लीज साइलेंस. ओके. कार्नोट साइकिल में हमने एफिशिएंसी की. देखो एक क्वेश्चन था लास्ट टाइम जब मैं पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट ने पूछा था दूसरे बैच के. हो सकता है आपके मन में भी आया हो, आपने ना पूछा हो कि सर जब फर्स्ट साइकिल जब हम स्टेप नंबर वन करते हैं तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, फिर सेकेंड स्टेप में एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन है और फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन है. तो वो स्टूडेंट ये बोलता है कि सर देखो अगर मान लो टेम्परेचर पहले गैस का सोर्स का T1 था, सोर्स मीन्स पेट्रोल बर्न किया या जो भी है, बहुत बहुत हाई टेम्परेचर हो गया T1, फिर मैं गैस में से सारी मैंने वर्क डन कर दिया और वर्क डन करने के बाद मैंने उसको एंड में चौथे स्टेप में एकदम कंप्रेस किया ताकि उसका टेम्परेचर कितना हो जाए T2 से वापस T1. वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि कहां पेट्रोल बर्न कर रहे हो तो सोर्स का टेम्परेचर T1 हो गया, आप एकदम गैस को कंप्रेस करते हो तो एकदम टेम्परेचर T1 कैसे हो सकता है? एटलीस्ट T1 से काफी ज्यादा कम होना चाहिए. ठीक है, T2 से आप, मैं मानता हूं कि गैस को आपने कंप्रेस किया तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, पर इतना थोड़ी ना इंक्रीज हो गया कि गैस को कंप्रेस करके आपने पेट्रोल को बर्न करने जितनी एनर्जी बाहर निकाल दी. बिल्कुल सही है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. तो इसका आंसर सुनो, ये कार्नोट साइकिल अगर आप अपने गूगल का फर्स्ट पेज पे भी अगर आप देखो इंटरनेट पे, आप सर्च करके देखो कार्नोट साइकिल के बारे में, विकिपीडिया पे सबसे पहली लाइन लिखी हुई है 1873 में इन्वेंट हुआ था. ये पहला साइकिल था, ये पहला इंजन था जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई गाड़ी चल रही है ऐसे, तो नहीं, ये गाड़ी चल नहीं रही. इसको थ्योरेटिकल मॉडल बोलते हैं. थ्योरेटिकल मॉडल में कुछ अजम्पशंस होती हैं कि अगर हम मान ले कि अगर मशीन बनाएंगे और किसी मैकेनिज्म से अगर हम T2 टेम्परेचर को वापस T1 तक ले आए तो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा. तो जब हमने प्रैक्टिकल इसको इम्प्लीमेंट किया तो इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन हुई. तो ये एक थ्योरेटिकल साइकिल है जिसमें अजम्पशन है कि चलो किसी तरीके से मैंने T2 को क्या कर दिया, T1 कर दिया, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करोगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. क्लियर है यहां तक? तो ये थ्योरेटिकल साइकिल है जिसको मॉडिफाई करके बहुत सारी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस की ताकि प्रैक्टिकल मशीन चलने शुरू हो जाए. तो इसके बेस पे पहला न्यूमेरिकल करते हैं. दी क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना. द सोर्स टेम्परेचर ऑफ अ कार्नोट साइकिल इज 127 डिग्री सेल्सियस. इट टेक्स 500 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स and rejects 400 calorie to the sink during each cycle. Each cycle, so means ek compression, ek expansion, ek cyclic process ho gaya. What is the temperature of a sink? So sink ka temperature kya hoga? Ye aapko dekhna hai. To isme jo kitna hai? 320. So basically kya kiya? Source ka temperature hai. Source ka temperature kya hoga? T1. Isko convert karna padega aapko Kelvin mein. और इट टेक्स 500 कैलोरी. टेक्स टेक्स मीन्स Q1.
takes मतलब इतनी heat ली, इतनी heat ली का मतलब Q1 from the source and rejects, rejects का मतलब Q2, rejects means Q2. During each cycle, what is the temperature of a sink? Sink का temperature क्या होगा? हमने ये last time discuss किया था. Efficiency के दो formulas हैं. 1 minus T2 by T1 is equal to 1 minus Q2 by Q1. याद है यहाँ तक? तो इन दोनों को equate कर लो. Efficiency तो engine क्योंकि same है, efficiency will remain same. तो यहाँ से आपको T1 given है, आपको Q2 given है, आपको Q1 given है. From here you can calculate T2 provided T1 आप Kelvin में put करोगे. Degree Celsius में काम नहीं करना किसने? सबने काम किसमें करना है? Kelvin में ही काम करना है. तो यहाँ तक point clear है. तो इसको अगर आप solve करेंगे, तो आपके पास solve करके answer आ रहा है कोई 320 Kelvin. पहला question clear है, मतलब just एक formula based question है, कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक यहाँ तक? Next है, और चाहो तो end में degree Celsius निकाल दो, नहीं निकालना तो it's okay, तो भी आप ऐसे छोड़ सकते हो. बट क्योंकि एक टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही गिवन था, तो दूसरा टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस में ही निकालोगे तो इट विल बी बेटर. ठीक. नेक्स्ट है, कार्नोट इंजन हैज द सेम एफिशिएंसी व्हेन ऑपरेटेड बिटवीन टेम्परेचर्स 100 केल्विन एंड 500 केल्विन एंड बिटवीन टी केल्विन एंड 900 केल्विन. कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ अ सिंक. ठीक. और जो लोग लिख नहीं पा रहे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी नेक्स्ट टाइम से या उससे नेक्स्ट टाइम से वेबसाइट तैयार हो गई है. वैसे मैं भी सिर्फ एड्रेस दे रहा हूँ आपको इसका, मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगा आपको. उसमें डाउनलोड्स का ऑप्शन होगा, एंड डाउनलोड्स के ऑप्शन में आपको ये जो आप मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अगर आपने नोट नहीं किया, आपको अपने घर पे अगर आप इंटरनेट है तो आप अपना सोल्यूशन वेरीफाई कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने अगर क्लास में नहीं डिस्कस किए, कई लोग पूछते हैं कि उसका आंसर क्या है, तो उसके सोल्यूशन भी आपको अपने नेट पे मिल जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो. नोटिस बोर्ड पे जो टेस्ट लगते हैं, तो यहाँ आपको खड़ने की जरूरत नहीं है, उसके साथ क्वेश्चन पेपर, उसका आंसर भी, सॉल्यूशन भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. ठीक. तो अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी काम रह जाएगा वो नेट पे, नेट इंटरनेट के थ्रू, जिनके पास नहीं है ऑब्वियसली यहाँ पर सिस्टम मैं लगा दूंगा, जिससे आप मीन्स उसको यहाँ भी यूज कर सकते हो. ठीक. तो देखो, कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी व्हेन ऑपरेटेड बिटवीन टेम्परेचर 100 केल्विन एंड 500 केल्विन. इसका मतलब 100 केल्विन मींस सिंक, हायर टेम्परेचर मींस सोर्स, सिंक और सोर्स हो गया. सो एंड टी केल्विन एंड 900 केल्विन. सो कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ अ सिंक. तो मतलब कहने का मतलब एक इंजन है और दो टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी विल रिमेन सेम. एफिशिएंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सबसे पहले है सेम एफिशिएंसी, कह रहे सेम एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला पहले केस में 1 माइनस T2 by T1, T2 का मतलब छोटा टेम्परेचर अपॉन बड़ा टेम्परेचर, और सेकेंड केस में एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस, अब T छोटा है कि बड़ा है, आपको किसका टेम्परेचर निकालना है? सिंक, सिंक मींस छोटा, तो T डिवाइडेड बाय 900. इन दोनों को इक्वेट कर लेना, T की कितनी वैल्यू आ रही थी? 180 केल्विन आंसर आ जाए. पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को इसमें? समझ में आ रही है बात? So, इसका आंसर आ जाएगा 180 केल्विन. नेक्स्ट है, अ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स विद एफिशिएंसी ऑफ 50%. सो ड्यूरिंग ईच साइकिल इट रिजेक्ट्स 150 कैलोरी टू अ रिजर्वॉयर ऑफ हीट एट 30 डिग्री सेल्सियस. देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अ रिजर्वॉयर? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर का है या ये क्वेश्चन हीट इंजन का है? रिवर्सिबल इंजन हमने डिस्कस किया था, एक रेफ्रिजरेटर है, तो अगर ये रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर की तो एफिशिएंसी नहीं होती ना. रेफ्रिजरेटर का क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ. तो फिर ये क्या है? ये हीट इंजन है. और अगर ये हीट इंजन है, फिर ये रिवर्सिबल वर्ड के यूज कर रहा है. क्योंकि हीट इंजन्स आर रिवर्सिबल इंजन्स. ठीक है, आप यूज कर सकते हो वर्ड, बिकॉज हीट इंजन को रिवर्सिबल इसलिए बोला जाता है बिकॉज वेन यू रिवर्स अ हीट इंजन, तो वो क्या बन जाएगा? एक रेफ्रिजरेटर. पर उसने ये तो नहीं कहा कि रेफ्रिजरेटर पे काम करो, उसने कहा ठीक है कोई रिवर्सिबल इंजन है. तो प्लीज अगर वर्ड आ जाए रिवर्सिबल, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है. रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें लिखा होगा साफ साफ कि कंसिडर अ रेफ्रिजरेटर आएगा इसमें क्वेश्चन. तो बाकी सारे क्वेश्चन आपने क्या मानने हैं? हीट इंजन के, और एफिशिएंसी हीट इंजन की होती है. सो क्वेश्चन है,
he operates with efficiency of 50% during each cycle, it rejects. Rejects ka matlab Q2 to a reservoir of heat at 30 degree Celsius. Iska matlab ye kya hai? T2. So 30 plus 200 73. T2 bhi a gaya. Q2 given hai. What is the temperature of a reservoir? Efficiency aapko question mein given hai. Given hai. It rejects one. Okay, suno suno. Reservoir word confused kar gaya. Reservoir, dono reservoirs ho sakte hain. Dekho. Jo reservoirs hain, means jahan par heat collect hoti hai. Normally reservoir padhte hi hame aisa lagta hai ki shayad source ki baat kar raha hoga. Ki reservoir of heat means source hai. Lekin do reservoirs hain, ek high temperature pe, ek low temperature pe. To high temperature wala kya ho jayega? Source. Aur low temperature wala kya ho jayega? Sink. To isliye reservoir word nahi padhna. Bas ye dekhna hai ki kiska temperature nikalna hai. To isme kiska temperature nikalna hai? What is the temperature of a reservoir? Yani ki mere ko jo during it rejects, then what is the temperature? Obviously, ye kiska temperature puch raha hai? T. One ka hi puch raha hoga. Jab T2 to de hi raha hai question mein. Kyunki 150 calorie to a reservoir. 150 calorie reject kar raha hai. Reject karke kahan fekega? In sink fekega, source kyun fekega? Clear hai na yahan tak? Samajh aa raha hai Rajat? To ye cheez sabko clear hai. To ab formula kaun sa lagaye? Efficiency ka? To le lo, efficiency ka formula laga deta hu. Efficiency is 50%, 50 divided by 100 is equal to 1 minus T2, T2 ki jaga 30 plus 2, 73 divided by T1. To lo, yahan se kiski value aa gayi? T1 ki. T1 aa gaya. Next part hai, how much work does it carry per cycle? Ab how much work ka matlab, aapko work done nikalna hai, output. Efficiency ka ek aur formula hai, output work done upon input heat taken. Ye sahi hai na yahan tak? Efficiency is W divided by Q1. Agar aap mujhe Q1 bata do, to main wahan se kiski value nikal dunga? W ki. To Q1 ki value kaise nikal rahi hai? Efficiency se. Bilkul theek. To basically kya karenge isme? Iske andar ye step sabko clear hai ki humne next jo nikalna hai, efficiency is work done divided by Q1. अब Q1 निकालने के लिए, निकालना तो वर्क डन है, इससे पहले आपको Q1 निकालना पड़ेगा. तो Q1 के लिए 1 माइनस T2 बाय T1, 1 माइनस Q2 बाय Q1. तो सबसे पहले आपको ये गिवन है, ये पता है यहां से Q1 आ जाएगा. Q1 को यहां पुट कर देना, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर है यहां तक? एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हीट कैलोरी में है तो वर्क डन भी कैलोरी में ही आएगा. तो अगर आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना होगा, उसको 4.2 से मल्टीप्लाई जरूर कर लेना. आंसर किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा. पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक. तो इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो एक आंसर आ रहा है 606 केल्विन. ठीक है, यहां तक तो एक आंसर 606 केल्विन आ रहा होगा. और जो दूसरा आंसर आएगा, दूसरा आंसर आ रहा है, पहले जब सॉल्व करोगे तो यहां से Q1 आएगा और Q1 की वैल्यू आएगी 300, और Q1 से जब वर्क डन निकालोगे तो आंसर आएगा 150. ये नोट करना, 150 कैलोरी. बट दो आंसर आ गए, एक Q1 निकालने को बोला था, Q1 आ गया, और दूसरा वर्क डन निकालने को बोला था, वर्क डन आ गया. ये मत देखना जो किया हुआ है, क्योंकि अपना अपना तरीका है सबका करने का, तो अपने अपने तरीके से करने का. पॉइंट क्लियर है ना? ठीक है यहां तक? कार्नोट साइकिल के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो मींस थोड़ा सा इजी रहता है क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा इसमें एक ही फॉर्मूला ही है, बस उसी को अंडरस्टैंड करना है. तो नेक्स्ट है, रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ हीट इनपुट इनटू वर्क. तो कुछ इनपुट ली, 1/6 को किसमें कन्वर्ट कर दिया? वर्क डन में. व्हेन द टेंपरेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस its efficiency is doubled. तो अगर मैं temperature को reduce कर दूं, किसके temperature को? Sink के temperature को, तो efficiency double हो जाती है. So find the temperature of a source and a sink. दो equations बनाना, efficiency की दो equations बनाना. तो देखो जरा इसमें क्या करना है.
इक्वेशन बनाओ इसमें. पहली इक्वेशन इसमें बनानी है, रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ हीट इनपुट इनटू वर्क. तो सबसे पहले ये वर्क है और ये हीट की इनपुट है, और क्वेश्चन में 1/6 का मतलब ये क्या बना है, इसकी एफिशिएंसी. तो ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई, 1. यहां तक क्लियर है. आगे, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस, इसको प्लीज केल्विन में जरूर कन्वर्ट कर लेना. तो अगर मैं सिंक का टेम्परेचर कम कर दूं, इट्स एफिशिएंसी इज डबल्ड, एफिशिएंसी डबल हो जाएगी. तो यानी कि अगर मान लो पहले सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है, तो केस नंबर 1 में मैं ऐसा कर सकता हूं, 1/6 इज 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1. ये आपकी इक्वेशन नंबर पूरी की पूरी 1 हो गई. ठीक है ना, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक, कोई डाउट इसमें? केस नंबर 2 बनाए. तो केस नंबर 2 में आपने क्या करना है, केस नंबर 2 में सबसे पहले जो सोर्स और सिंक का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 हार्डली मैटर्स, डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, रिडक्शन तो रिडक्शन है. तो डिग्री सेल्सियस में अगर 62 है तो केल्विन के अंदर भी 62 ही रहेगी. ठीक है ना, यहां तक? तो ये एक नया टेम्परेचर आ गया, किसका, सिंक का. सोर्स का टेम्परेचर नहीं चेंज करना, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, सेम रखे. एफिशियंसी को बोलो क्या कर दें, डबल. तो 1/6 का डबल कितना हुआ, 1/3 हो गया. तो एफिशिएंसी बिकम्स 1/3. फिर से क्वेश्चन बनाए, तो 1/3 इज 1 माइनस, क्या लिखे यहां पर, T2 की जगह T2 माइनस 62 डिवाइडेड बाय T1. ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई. सबको क्लियर है यहां तक? इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. इनको साइमल्टेनियसली नहीं, ठीक है, T1 T2 को सोल्व करना पड़ेगा. तो T1 T2 को सोल्व कर लेना. आपसे पूछा क्या है, फाइंड इट टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक. तो फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक. कोई डाउट इसमें? 37.9 समझ आ रहा है यहां तक? ठीक, तो दो इक्वेशन सबको क्लियर है जो बनाई हमने. तो दो इक्वेशंस को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, एक तो 310 केल्विन आ रहा है, बस फिर दूसरा निकाल लेना कितना आ रहा है, कितना 90. चलो ठीक है, T2 की वैल्यू निकाल लो, 31. देखो डिफॉल्ट आंसर केल्विन में आते हैं, टेम्परेचर हमेशा एफिशिएंसी में किसमें पुट करने हैं, केल्विन नहीं पुट करने हैं, डिग्री सेल्सियस में नहीं पुट करते. तो आंसर यानी कि किसमें आ रहे हैं, केल्विन में आना चाहिए. ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 62 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं और केल्विन में. तो बाय डिफॉल्ट जो भी T1 T2 आएगा वो हमेशा किसमें आएगा, केल्विन में आएगा, वो डिग्री सेल्सियस में नहीं आएगा. जिसमें मर्जी के बनो, आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करके ही करना है. और अगर डिग्रीज बाय 62 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में भी 62 डिग्री केल्विन डिग्रीज है ना, तो हार्डली मैटर्स. तो आपने केल्विन में काम करना है, आपने डिग्री सेल्सियस में काम नहीं करना है एफिशिएंसी में. याद है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसमें, ये वाला है, देखो कार्नोट इंजन टेक्स इन का मतलब क्यू, बोलो साथ साथ, टेक्स इन मींस Q1 किलो कैलोरी को 10^3 से मल्टीप्लाई कर लेना कैलोरीज में, फ्रॉम अ रिजर्वॉयर एट, यानी कि क्या मैंने T1 एग्जॉस्ट हीट टू सिंक, सिंक में फेंक रहे एट टेम्परेचर T2, व्हाट इज द एफिशिएंसी एंड द आउटपुट. तो एफिशिएंसी एंड आउटपुट, आउटपुट मीन वर्क डन, तो दोनों क्या होंगे और बाकी पार्ट बाद में करते हैं. तो एफिशिएंसी तो मेरे ख्याल से आई जाएगी, एफिशिएंसी इज 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1. प्लीज यहां से निकाल लेना T1 भी, T2 भी, यहां से आंसर आ जाएगा. एनी डाउट?
क्लियर है ना यहां तक? एक आंसर आ गया. दूसरा आपको आउटपुट निकालनी है. एफिशिएंसी इज वर्क डन. वर्क डन की जगह आउटपुट बोल सकते हो. एफिशिएंसी इज आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट Q1, और Q1 आपको मालूम है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल लोगे आउटपुट. ठीक है ना यहां तक? मेथड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को इसमें. ठीक, तो यहां से सॉल्व करना. एफिशिएंसी सॉल्व करने पे आ रही है 66.7% एंड आउटपुट की वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है 666.7 किलो कैलोरी. तो कैलोरी में छोड़ दोगे तो भी सही है, नहीं छोड़ोगे तो भी सही है. मेथड क्लियर है? समझ आ रहा है सबको? एफिशिएंसी के फॉर्मूलास को लिखने और से कुछ भी नहीं करना, कुछ कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है. और हाँ, एफिशिएंसी 100% कब होगी? जब देखो ना, एफिशिएंसी को 100% मीन्स 1 पुट कर दो, 1 से 1 कैंसिल, तो ऑब्वियसली ऐसा कब होगा? जब T2 की वैल्यू 0. T2 क्या होता है? रिजर्वायर. जहां हीट फेंकेंगे रिजर्वायर, वो कभी 0 हो नहीं सकता. एफिशिएंसी कभी 100% हो नहीं सकती. नॉर्मली मैं बताता हूँ क्या होता है. हमने ये माना था कि जो हमारा रिजर्वायर, जो सिंक है, वो हमारा एटमोस्फेयर है. थ्योरेटिकली एटमोस्फेयर है, पर एक्चुअल में एटमोस्फेयर नहीं है. देखो ना, अगर मैंने 100 जूल की या 100 कैलोरी की एनर्जी उठाई, हीट ली, मैंने 80 का सपोज उसको, जो 20 कैलोरी बच गई हीट, क्या करूंगा? बार फेंक दूं. फायदे से तो बार फेंकना चाहिए, बिकॉज सिंक में फेंक दिया, खत्म हो गई. पर आजकल के इंजन तो इतने एफिशिएंट हैं कि वो फेंकी हुई हीट को भी उठा के किस में डाल देंगे? सोर्स में डाल देंगे, ताकि सोर्स में जो पेट्रोल है वो हमारा या डीजल है वो हमारा कम लगे, जो हमारी जो एनर्जी है वो कम लगे. तो वाई टू वेस्ट एनर्जी? तो ठीक है, थ्योरेटिकली हम कहते हैं हम फेंक देंगे, लेकिन एक्चुअल में फेंकता कौन है? एक्चुअल में वही सर्कुलेशन होती रहती है. ठीक, सो कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस. सो T1, इसका मतलब ये T1 है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना. ये T2 है, लोअर टेम्परेचर, T2 होता है हमेशा, पुट कर दिया. इट इज डिजायर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय 20% बाय मेकिंग टेम्परेचर ऑफ सोर्स कॉन्स्टेंट और बाय मेकिंग टेम्परेचर ऑफ सिंक कॉन्स्टेंट. प्लीज एक चीज समझ लें, ये दोनों डिफरेंट केसेस हैं, सेम केस नहीं है. तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, बाय मेकिंग टेम्परेचर ऑफ अ सोर्स कॉन्स्टेंट. तो सोर्स को चलो कॉन्स्टेंट कर दो. सिंक का टेम्परेचर कितना चेंज करूं ताकि एफिशिएंसी क्या हो जाए? 20% बढ़ जाए. टेम्परेचर हो गए, सो इट इज डिजायर टू इंक्रीज दी एफिशिएंसी बाय 20%. तो पहले बोलो एफिशिएंसी कितनी है, मान लो ईटा, तो 20% बढ़ा दो, कितनी हुई? 1.2 ईटा. ऐसे कर लो, 20% बढ़ा दें, ईटा तो रखो ना, इसको क्यों वो करना है, ईटा प्लस 20 डिवाइडेड बाय ये लो. तो सॉल्व करोगे तो 1.2 ईटा ही आएगा. 120% जिसे बोलते हैं मैथ्स में, 20% बढ़ने का मतलब 120% होना. ठीक है ना यहां तक? तो ये आपकी नई एफिशिएंसी आ गई. तो लेकिन याद रखना कि T1 को आपने चेंज नहीं करना है इसमें, T1 चेंज नहीं करना. तो क्या चीज चेंज कर सकते हैं? T2. तो ठीक है, T2 की नई वैल्यू निकालो. अगर हम एफिशिएंसी को 20% बढ़ाएंगे तो नई एफिशिएंसी, जो नया टेम्परेचर क्या होगा? तो एफिशिएंसी पहले थी कितनी निकाल लेना. आपको T2 पता है 100 डिग्री सेल्सियस, T1 पता है 0, सॉल्व करो, ये एफिशिएंसी आ गई. अब ए पार्ट में क्या करना है, इस एफिशिएंसी को 20% बढ़ाना है, तो इसको क्या कर देना, इनटू 1.2. ठीक है ना? तो मतलब वो तो मैंने चलो वेरिएबल लेके किया था, बट एक्चुअल में तो यू नो द एफिशिएंसी ना. आपको जब दोनों टेम्परेचर पता है तो इसका मतलब आपको एक्चुअल अभी एफिशिएंसी पता है. आपको एक्चुअल अगर एफिशिएंसी पता है, उसको 20% आपने क्या करना है,
इंक्रीज करना है। ठीक ओके। सो देखो यहां तक क्लियर है। अब ए पार्ट है कि मैं एक काम करता हूं, इसको 20% बढ़ाता हूं, 20% बढ़ाऊंगा तो मेरी एफिशिएंसी हो जाएगी 0.322। मान लो चलो मैंने इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 120 अपॉन 100 का मतलब क्या होता है 1.2, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। टेम्परेचर इसको तो टच नहीं करना, तो ऑब्वियसली क्या निकालना है, टी टू ही तो निकालना है, तो एफिशिएंसी का फिर से फॉर्मूला लगा दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। ठीक है ना, यहां तक सही बोल रहा हूं। तो इसमें बेसिकली करना क्या है आपको, नई एफिशिएंसी जो आपने निकाली इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ऑब्वियसली आपको इसमें आपको ये चेंज ना करने को कहा गया था, नहीं किया, नई एफिशिएंसी पुट कर दो, T2 पुट कर दो, सॉरी T1 की वैल्यू पुट कर दो, ये लो, और किसकी वैल्यू निकालनी है आपने, T2 निकाल लेना, कितना रहे पॉइंट, सबको क्लियर है यहां तक क्या करने, ये चीज सबको समझ आ रही है। तो यहां से सॉल्व करो, आपके पास T2 की वैल्यू आएगी 253 या 252.9 कहते हैं। सो आपने अगर आपको क्वेश्चन में चेंज निकालने को कहा है तो यू कैन कैलकुलेट दी चेंज। फाइनल टेम्परेचर का है तो फाइनल निकाल लो, चेंज करने को कहा है तो चेंज निकाल लो, बट पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो पहला पार्ट सबको क्लियर है कि आपने जो एफिशिएंसी को करना तो 20% है दोनों केसेस में, और जो सेकंड केस है जो आपका केस नंबर 2 बनेगा उसमें आपने सिंक के टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, यही क्वेश्चन है। बी पार्ट क्या है इसका, सिंक को नहीं चेंज करना। ठीक, तो अगर केस नंबर 2 में सिंक का टेम्परेचर पहले भी T2 है, अब भी T2 है, और जो कि कितना रखना है 0 + 2 = 73, सिंक यही था 0, आइस एंड यही क्वेश्चन है ना आइस वाला, तो सिंक यानी कि इतना ही रखने, तो लेट से T1 की जगह हमने क्या कर दिया T1 और eta 20% इंक्रीज करके eta कैन बी कैलकुलेटेड जो अभी आपने निकाला था। तो यहां से eta इज 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 T1 निकाल लेना, T2 आपको पता है, एफिशिएंसी आपको पता है, यहां से T1 कैन बी कैलकुलेटेड जो कितना आ रहा है, ये निकालना है क्या, ठीक है ना, ठीक, यहां से कितना आंसर आ रहा है, कर लो, मेथड क्लियर है सबको, ये बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहां से सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ रहा है कोई 402.65 केल्विन। तो मेरे ख्याल से एफिशिएंसी के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल जो है सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो अब कितने क्वेश्चन इसके करें, मतलब एफिशिएंसी क्यों निकालते जाएंगे क्वेश्चन में, तो 2-3 इसके स्पेशल टाइप देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लो, रेफ्रिजरेटर का देख लो, देखो जरा क्या क्वेश्चन है, देखो अ रेफ्रिजरेटर ए वर्क्स बिटवीन -10°C एंड 27°C व्हाइल रेफ्रिजरेटर बी वर्क्स बिटवीन -27°C एंड 17°C। चाहे रेफ्रिजरेटर हो चाहे हीट इंजन हो, एक चीज तो क्लियर है, T1 का मतलब बड़ा टेम्परेचर, T2 का मतलब छोटा टेम्परेचर, तो क्या करना है इसमें, बोथ रिमूविंग हीट इक्वल टू 2000 जूल फ्रॉम द फ्रीजर, तो फ्रीजर में से दोनों के दोनों मिलके Q 1 की 2 हीट निकल रही है, तो Q 1 की 2 हीट निकल रही है, तो अगर Q1 ठीक है, नहीं कुछ नहीं देखो कंफ्यूज कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, देखो अगर हीट इंजन हूं तो मैं सोर्स से Q1 लूंगा और सिंक में Q2 दूंगा, अगर मैं रेफ्रिजरेटर हूं तो मैं Q2 निकालूंगा Q1 फेंकूंगा, ऑब्वियसली ये Q2 है, क्या कह रहा है,
बोथ रिमूविंग हीट, रिमूविंग हीट कहां से, सामान में से, तो ठंडी चीज में से और ठंडा कर रहे हैं, तो रेफ्रिजरेटर उल्टे एरो से नहीं चलता था, हमने लास्ट टाइम किया था। जो हीट इंजन है उसमें, हीट इंजन और इसमें क्या डिफरेंस है, ये मान लो क्यू वन है, ये आपने हीट इंजन वर्कडन दे रहा है क्यू वन माइनस क्यू टू, और ये आपके पास क्यू टू है, और जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसके एरोज हम क्या कर देते हैं, उल्टा ऐसे करते हैं ना, लेकिन हम इसके सिंबल को थोड़ा चेंज करते हैं, हम ये बोलते हैं कि मान लो यहाँ पर कोई भी चीज पड़ी हुई है रेफ्रिजरेटर में, वो क्यू टू हीट आपके सामान में से बाहर निकाल रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना, हीट इंजन में अगर हीट निकाली जा रही है तो वो क्यू वन है, रेफ्रिजरेटर में हीट निकाली जा रही है तो वो क्यू वन नहीं है, रेफ्रिजरेटर क्यू वन हीट फेंकता है सोर्स में और क्यू टू निकालता है, ठीक है ना यहाँ तक, तो बताओ कौन सा बढ़िया रेफ्रिजरेटर है, क्या निकालोगे, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो इनके कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल दो, जिसका फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया ही था, टी वन बताए टी टू बताए, अब तो कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी है, कुछ भी नहीं करना, और इसमें इसमें क्या बस यही बताना है कौन बेटर कौन नहीं, तो हीट का करना क्या था, कुछ भी नहीं, अच्छा ठीक है, बस ये बता रहा था हीट का, हार्डली मैटर वैसे क्या फर्क पड़ता है, जितनी मुझे हीट निकाल ले फिर कोई, तो इसमें जस्ट यू हैव टू कंपेयर कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू टू, तो टी टू और टी वन के ऊपर आपने सबसे पहले बीटा ए निकाला, फिर आपने बीटा बी निकाला, और जिसका बीटा बड़ा होगा वो एक बेटर रेफ्रिजरेटर होगा, ठीक है ना यहां तक, कोई डाउट इसमें, क्लियर है, हाँ, आंसर वेरी कर सकता था अगर आपसे पूछता कितना वर्क डन किया जा रहा है एक रेफ्रिजरेटर, कितना काम कर रहा है एक साइकिल में, तो उसमें आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, कितनी हीट निकाली और कितना वर्क डन लिया, तो हमने ये वर्क डन किया ना, रेफ्रिजरेटर के ऊपर वर्क डन किया जाता है, ठीक है, अगर आपको इफ यू हैव टू कैलकुलेट डब्ल्यू तो क्यू टू डिवाइडेड बाई बीटा करते, अब दोनों का बीटा डिफरेंट है, क्यू टू दोनों का सेम है, तो दोनों का जो वर्क डन है वो भी डिफरेंट है, भाई अगर एफिशिएंसी, बीटा मीन एफिशिएंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर ना, तो अगर बीटा डिफरेंट है, एफिशिएंसी डिफरेंट है, तो एक बिजली ज्यादा खाएगा एक बिजली कम खाएगा, सिंपल है, तो रेफ्रिजरेटर अच्छा तब होगा जब बिजली कम खाएगा, तो जो वर्क डन ज्यादा करेगा और एफिशिएंसी उसकी या फिर ज्यादा होगी, इट मींस कि वो आपसे वर्क डन कम करवा रहा है, ठीक है ना, पॉइंट क्लियर है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है ऐसे करते हैं, या चलो ऐसा करो जिसने, जिसका सपोज परफॉर्मेंस, हाँ ठीक है ना फिर, हाँ जिस जितना कम वर्क डन उतना बढ़िया, नहीं ए और बी को कोई बात नहीं, मैं तो इन जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर किसी का बीटा ज्यादा एफिशिएंट है ना, तो उसका वर्क डन कम, यानी कि हमसे कम वर्क करवा रहा है वो, लेकिन इंजन में उल्टा है, जितना वर्क डन ज्यादा उतना एफिशिएंट, एफिशिएंसी ज्यादा, इंजन में उल्टा हो जाता है, ठीक है ना यहां तक, ये करना,
ji. Assuming a domestic refrigerator as a reversible engine working between melting point of ice, means 0 degree Celsius, and at a room temperature 27 degree Celsius. So, aapka ek temperature low hai, ek temperature high hai. Low means T2. Low means hamesha T2. Chahe engine, chahe refrigerator. Koi farak nahi. High means T1. Okay. Calculate energy in joule that must be applied to freeze. Ab aapko pani jamana hai. Isme. Nahi, pani nahi. Aapko barf jamani hai. Theek. To aapko water, ek hi baat hai khair. Water ko freeze karna hai. To agar water ko freeze karna hai, to usme se heat nikalni padegi. To heat nikalne ka matlab Q1 ki Q2. Q2. Heat nikal rahe hai. Q1. Q1 ki Q2. अरे यार अभी तो बोल दिया रेफ्रिजरेटर में से हीट निकलेगी तो वो Q2 होगी. आहो मैं दो बार क्वेश्चन पूछता हूँ कंफ्यूज हो जाते हो. देखो बताया ना कि एक रेफ्रिजरेटर ये सोल T1 है वर्क डन कर रहे हैं. इंजन के अंदर क्या होता है? ऐसी होता है ना इंजन के अंदर. ओहो मैं तो कह रहा हूं. ओके प्लीज साइलेंस. आगे देखो. So, मैंने बताया रेफ्रिजरेटर में एग्जैक्टली रिवर्स है. आप वाटर को यहां रखोगे, वाटर में से Q2 निकलेगा, आप वर्क डन करोगे और बाहर Q1 बाहर फेंक दोगे. ठीक है ना यहां तक? तो इट मींस कि Q2 आपको आपको निकालना पड़ेगा. और Q2 किसके इक्वल होगा? आपका रेफ्रिजरेटर करता क्या है? Q2 इज इक्वल टू क्या लगाता है पानी में से? ml. क्यों? क्योंकि Q2 means पानी में से अगर Q is ml heat बाहर निकलेगी तो वो क्या हो जाएगा? वो फ्रीज हो जाएगा. याद है latent heat of fusion. ठीक है ना यहां तक? तो Q2 को कैसे कैलकुलेट करना है ये चीज क्लियर है? तो Q2 को कैलकुलेट करने का हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा वाटर के केस में, Q is equal to ml. तो देखो एक रेफ्रिजरेटर है और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पे काम कर रहा है, मीन्स T2 गिवन है 0+273 और T1 गिवन है 27+273. कैलकुलेट एनर्जी इन जूल दैट मस्ट बी सप्लाइड सो टू फ्रीज 1 kg ऑफ वाटर एट 0 degree Celsius. तो मुझे क्या करना है? कैलकुलेट एनर्जी इन जूल दैट मस्ट बी सप्लाइड. तो ऐसा करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? वर्क डन. और वर्क डन इज एनर्जी. तो मेरे को क्या निकालना है इस केस में? कितना वर्क डन मैंने किया रेफ्रिजरेटर को? रेफ्रिजरेटर वर्क डन करता है तो कितना वर्क डन किया ताकि Q2 हीट क्या कर दी गई? एक्सट्रैक्ट कर दी गई. ठीक है ना यहां तक? इट मींस कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय Q2. उल्टा लिख दिया. ओके तो उल्टा कर दो. Q2 डिवाइडेड बाय वर्क डन. कितनी हीट निकाली डिवाइडेड बाय वर्क डन? 80 540. याद बोला था ना 80 calories per gram, 540 calories per gram. तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 और फ्यूजन 80. ठीक है ना यहां तक? तो यहां से Q2 की जगह यू कैन कैलकुलेट Q2 इज इक्वल टू m times l. मास आपको गिवन है. वर्क डन इज टू बी कैलकुलेटेड. बीटा कैन बी कैलकुलेटेड बिकॉज यू नो T1 एंड T2. ठीक है ना यहां तक? गौरव समझ आ रहा है? T1, T2 मालूम है. तो यहां से निकाल लेना क्या आंसर आ रहा है. फॉर्मूला क्या होता है? T2 by T1 minus T2. यही फॉर्मूला है. चेक करो बीटा का यही फॉर्मूला है. और अगर बीटा का ये फॉर्मूला है तो अभी अभी मैंने बताया बीटा का एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला क्या है? Q2 divided by W. ठीक है? तो आपको Q2 की जगह क्या पुट करना है? m into l. W कैन बी कैलकुलेटेड. आंसर ठीक है यहां तक? तो यहां से कितना आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है कोई 3.32 × 10⁴. और कुछ मत देखना प्लीज, अपना अपना तरीका है सबको सॉल्व करने का. ये आंसर नोट करना 3.32 × 10⁴.
कि वैसे हम कैलोरीज में काम कर रहे थे, आपको 4.2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब आंसर किस में आएगा, जूस में आएगा। बट पॉइंट इज क्लियर, मेथड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को इसमें। ये लो नेक्स्ट देखो, बात मत करो अपना काम करो। का डायग्राम बनाओ, टू कार्नोट इंजन ए एंड बी आर ऑपरेटेड इन सीरीज, सीरीज का मतलब एक के बाद एक, सो आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो द फर्स्ट वन ए रिसीव्स हीट एट 800 केल्विन एंड रिजेक्ट्स टू रिजर्वायर एट टेम्परेचर टी केल्विन, सेकेंड इंजन बी रिसीव्स हीट रिजेक्टेड बाय फर्स्ट इंजन एट टेम्परेचर टी एंड इन टर्न रिजेक्ट्स टू हीट रिजर्वायर एट टेम्परेचर 300 केल्विन। तो पहले दो कार्नोट बनाओ, सोर्सिंग, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। टी निकालने हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करना, आउटपुट ऑफ द टू इंजन आर सेम, Carnot engines A and B are operated in series. The first one A receives heat at 800 Kelvin and rejects to reservoir at temperature T Kelvin. So the second engine B receives the heat rejected by first engine at temperature T and turns reject to heat reservoir at temperature 300 Kelvin. So kuch aisa diagram ban raha hoga iska. Pehla case kya hai isme? First engine T1 pe kaam kar raha hai. T1 given hai kya question mein? 800 केल्विन गिवन है, ओके। तो ये ए इंजन है, ये मान लो Q1 एक्सेप्ट कर रहा है, निकाल रहा है सोर्स में से, और Q2 फेंक रहा है सिंक में, सिंक का टेम्परेचर मुझे मालूम नहीं है, कह रहे टी केल्विन पे काम कर रहा है, तो टी लिख लिया। लेकिन जो दूसरा इंजन है वो इस सिंक में से हीट निकाल रहा है जो किसने फेंकी थी, ए इंजन ने। ए इंजन कितनी हीट फेंक रहे, Q2, और बी इंजन वही हीट को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो Q2 की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, सेम। क्लियर है यहां तक भी? और जो बी इंजन है वो आखिरी, उसका जो सिंक है बी इंजन का, वो 300 केल्विन क्वेश्चन में गिवन है, तो यानी कि ए इंजन का सोर्स टेम्परेचर गिवन है और बी इंजन का सिंक टेम्परेचर गिवन है। डायग्राम आपके सामने है, एफिशिएंसी के फॉर्मूले लगाओ, दोनों के इक्वेट कर दो आंसर, ठीक है ना यहां तक? तो देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं, 1 - T2/T1 होता है एफिशिएंसी इज फर्स्ट इंजन के लिए, एफिशिएंसी इज 1 - T2 की जगह T1 की जगह 800, सेकेंड इंजन के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 - T2 की जगह 300, T1 की जगह T, इक्वेशन नंबर 1 और 2, 1 = 2, फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट T, ठीक है ना यहां तक? तो आपने कुछ भी नहीं करना, ए पार्ट में साफ साफ कह रहा है कि एफिशिएंसी को क्या कर देना, दोनों की इक्वेट, आउटपुट सेम है, और बी पार्ट में, चलो फिर बी पार्ट पहले कर दिया, एफिशिएंसी सेम है बी पार्ट में, तो टी आ जाएगा, एक आंसर आ गया। अब इसको भूल जाओ, अब दोनों की क्या सेम करनी है, आउटपुट सेम करनी है। अब करो ये प्रॉब्लम, ये तो क्लियर है ना जो मैं बोल रहा हूं, यानी कि बी पार्ट हुआ। अच्छा कितना रहे इसका,
चलो जितना भी आया ठीक है, तो यहां से फर्स्ट पार्ट में एफिशिएंसीज को इक्वल किया, 489.9 आ रहा है, चलो 489.9 आ जाएगा, टी की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 489.9। मेथड क्लियर है, दोनों की एफिशिएंसी को सॉल्व कर लोगे टी आ जाएगा। अब प्लीज ए पार्ट करो कि जब दोनों का क्या सेम है, आउटपुट सेम है, तो दोनों का जब आउटपुट सेम है तो देखो क्या करना है, आउटपुट का मतलब क्या होता है, वर्क डन सेम है। तो एक काम करते हैं, पहले एक का वर्क डन निकाल के देख लेते हैं। तो इसकी जो एफिशिएंसी है फर्स्ट की इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू टू डिवाइडेड बाय क्यू वन, ये ऐसे कर लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, चलो वो तो मालूम नहीं टेम्परेचर, तो ऐसे करो एफिशिएंसी इज आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है ना। और मुझे एक चीज बताओ कि जो आउटपुट की वैल्यू होती है वो होती क्या है, क्यू वन माइनस क्यू टू, ठीक लिखा ना मैंने यहां पे। और सेकेंड केस में आउटपुट की वैल्यू होगी क्या, बोलो, क्यू टू माइनस क्यू टू डैश, ऐसे माइनस कर दिया कि इनपुट हीट, ऐसे आउटपुट हीट को माइनस करोगे तो आउटपुट वर्क डन आ जाएगा, एफिशिएंसी के बिना भी तो आ सकता है, इनपुट हीट में से आउटपुट को रिजेक्टेड हीट को माइनस कर दें, क्लियर है यहां तक। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट Q2 डैश, बिकॉज आउटपुट की जो वैल्यू है वो दोनों में क्या लेने को कहा गया है, सेम, तो मैंने भी सेम ले ली, ठीक है ना यहां तक। तो यहां से 2Q2, या चलो एक बार ट्राई करो, एक बार यहां से जरा ट्राई करना क्वेश्चन, इसके बाद कैसे होगा आपको निकालना, क्या टी निकालना है, फिर से आपको टी निकालना है, चेक करो कैसे करेंगे, टी निकालना है, अगेन यू हैव टू अगेन कैलकुलेट टी फ्रॉम दिस इक्वेशन, मतलब इन दोनों की वैल्यू को एग्जैक्टली क्या करना है आपने, सेम, ठीक है ना। यहां ख्याल से इस पार्ट में एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं गिवन, एफिशिएंसी कुछ नहीं गिवन, तो फिर एफिशिएंसी के दोनों फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, इसका मतलब तो ये हो गया ना, 1 माइनस देखो एफिशिएंसी के यहां पर दो फॉर्मूलाज बन सकते हैं, पहला 1 माइनस T2 बाय T1 और दूसरा 1 माइनस Q2 बाय Q1, और यहां से भी बनाओ 1 माइनस कितना 300 डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू कितना 1 माइनस Q2 डैश डिवाइडेड बाय Q2, ठीक है ना। और तो कुछ गिवन ही नहीं है, बस यहीं से कुछ जो निकाल,
मेरे को लगता है आ गया इसका आंसर। देखो ऐसा करें, मतलब ट्राई करके देखते हैं, अगर मैं दोनों साइड्स को Q2 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं है, तो मेरे पास क्या बच गया, Q1 Q2 माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस Q2 डैश Q2। ये क्लियर है, समझ जाएगी बात। देखो यहां से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, ये कैंसल है, जब आपने इसको कैंसिल किया तो आपके पास ये वन और वन तो कैंसिल हो ही गया, तो यहां से Q1 by Q2 की रेशियो आ जाएगी 800 डिवाइडेड बाय T, ठीक है ना यहां तक, मतलब मैंने आपको इसका आंसर निकाल दिया। फिर यहां से भी वन से वन कैंसिल, तो आपके पास Q2 डैश बाय Q2 की वैल्यू आ गई कितनी, 300 बाय T। एक वैल्यू को यहां पुट करने, इस वैल्यू को यहां पुट करने ले आंसर, ठीक है ना, पढ़ गया सब कुछ। यहां तक क्लियर है सबको, तो यहां से सॉल्व करो, आंसर आ रहा है 550। चलो पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना, तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये भी कर लो, रेफ्रिजरेटर इज ड्रिवन बाय 1000 वॉट इलेक्ट्रिक मोटर हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 60%। तो ठीक है, कोई रेफ्रिजरेटर है जो 1000 वॉट इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है और जिसकी एफिशिएंसी 60% है। रेफ्रिजरेटर इज कंसीडर्ड एज अ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन गिवन टेम्परेचर्स T1 T2 बोथ गिवन, यानी कि वी कैन कैलकुलेट एफिशिएंसी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू फ्रीज 32.5 केजी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मेरे को एक चीज मालूम है, जब भी पानी जो है वो फ्रीज होगा तो Q2 निकलेगा, Q2 किसके इक्वल होगा, m into l, Q is equal to ml, so यानी कि Q2 भी गिवन है, तो हीट लॉसेस में भी नेगलेक्टेड, तो निकालना क्या है, टाइम रिक्वायर्ड। अच्छा ठीक है, इसमें टाइम का क्वेश्चन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर गिवन है, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, या पावर इज कितनी हीट निकाली अपॉन टाइम, तो टाइम निकालना है, पावर गिवन है और हीट की वैल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू एम एल, ठीक है ना।
वॉट की मोटर जरूर है आपके पास, और साफ साफ गिवन है उसने 1000 वॉट आपको देने नहीं है, बाहर कितना निकालेगा इसका 60%। तो कंफ्यूज करने के लिए 1000 वॉट दे दिया, फिर बोल दिया कि नहीं नहीं ये 1000 वॉट आपको देगा नहीं, ये आपको सिर्फ 60% देगा। तो यानी कि पावर की वैल्यू आपने 600 वॉट लेनी है, 1000 नहीं लेनी। अब क्वेश्चन सॉल्व करो। और हिंट क्या, आपको मैंने पूरा बता ही दिया कि जो क्यू है दैट कैन बी कैलकुलेटेड, एंड आपका जो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। और एनर्जी क्या लोगे? हाँ, वर्क डन। एक रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। जो आप वर्क डन करोगे वो मोटर के फॉर्म में करोगे, और मोटर वर्क डन करेगी या जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में वर्क डन करोगे, वो कह रहे हैं जो भी काम करोगे उससे इतनी पावर जनरेट होती है पी। ठीक है ना? इट मींस कि आपको क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, डब्ल्यू की वैल्यू। तो सबसे पहली चीज हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। ये सब क्लियर है? पावर की वैल्यू कितनी है? 600 इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन बीटा इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय वर्क डन। ये सब क्लियर है सबको? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का यही फॉर्मूला होता है ना कि आउटपुट जो Q2 आपने हीट निकाली डिवाइडेड बाय कितना वर्क डन किया W। ये स्टेप भी क्लियर है सबको? यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन। Q2 की जगह क्या पुट करेंगे बोलो? M इंटू L, क्योंकि कितनी हीट रेफ्रिजरेटर निकाल रहे हैं दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय Q इज इक्वल टू ML। ये भी क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है ना? रेफ्रिजरेटर में Q2 इज ऑलवेज इक्वल टू वैसे तो ML ही होगा। ठीक, समझ आ रहे हैं यहां तक रजत? सो बीटा कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ फॉर्मूला T1 माइनस T2। टेम्परेचर मेरे ख्याल से गिवन है आपको, क्या टेम्परेचर गिवन है? तो फ्रॉम हेयर T2 T1 आर गिवन। आप यहां से M और L भी गिवन, यहां से वर्कडन कैन बी कैलकुलेटेड। जो वर्कडन आएगा यहां पुट कर देना, टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ आ रहा है सबको? कोई डाउट किसी को इसमें? कैलोरीज पर ग्राम, तो मास को ग्राम में लेना है ताकि ग्राम से ग्राम क्या हो जाए, कैंसर। हाँ, आपको करना पड़ेगा। देखो जो पावर है वो ऐसा यूनिट में क्या चल रही है, जूल पर सेकंड। तो याद रखना, जो वॉट्स होते हैं, वॉट्स का मतलब क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, जूल्स पर सेकंड। तो आपको जो राइट साइड एल लेना है वो 80 कैलोरी पर ग्राम लेते हो ना, ग्राम का तो कोई चक्कर नहीं, जो आपका 80 कैलोरीज है उसको आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आप इसमें क्या कर रहे हो, जैसे सपोज करो मास कितना गिवन है, 32.5 grams kg। ओके, कोई बात नहीं, kg है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। L की वैल्यू 80 कैलोरीज पर ग्राम्स, ग्राम्स और ये ग्राम्स क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल, 1000 ग्राम है ना। 80 आपको याद करना पड़ेगा ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो 80 होती है आइस। इट्स गिवन कितना? ओके, फिर आप जो गिवन है प्लीज वही पुट करो, फिर ये मत पुट करो। जो गिवन है फिर वही पुट करो, जो भी आपको मास गिवन है आप मास 30 ग्राम में लेना, एल के यूनिट्स कैलोरी पर ग्राम में लेना ताकि ग्राम ग्राम कैंसिल, और कैलोरी को मल्टीप्लाई कर देना बाय 4.2 ताकि आंसर किसमें आ जाए, जूस में। तो फिर ये क्वेश्चन किसने पूछा? फिर अपने फिर बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना।
जब सब कुछ केजी चल रहा है, जब सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर कन्वर्जन मत करवाओ। समझ में आ गया कि अगर कैलोरी गिवन है तो 4.2 मल्टीप्लाई करके जूल कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि पावर जो चल रहा है वो वॉट्स में चल रहा है। वॉट्स कहां से आते हैं? जूल से आते हैं। ठीक है, अब अपने आप कर लेना जो करना है। मेथड क्लियर है? कोई डाउट इसमें? वेदांत कार्तिक, समझ आ रहा है? आंसर इसका आने वाला है कोई 33 मिनट, 2000 सेकंड के आसपास, 2000 सेकंड के आसपास है। अरे नहीं आ रहा? अरे कोई बात नहीं, 2000 सेकंड इसका आंसर आएगा। मेथड में किसी को कोई डाउट है प्लीज ये बताओ। ठीक है, ओके देखो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसका ये जो क्वेश्चंस किए बहुत बेसिक लेवल पे किए हैं और इसके क्या कंपटीशन के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको इकट्ठे करवाऊंगा थर्मल ट्रांसफर ऑफ हीट के साथ। ठीक, दो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन। नॉर्मली कार्नोट के ऊपर मतलब अगर आप मुझसे पूछो तो चांस थोड़ा सा कम है क्वेश्चन आने का कंपटीशन का। ऐसा नहीं कि आया नहीं कभी, दो साल में तीन साल में रिपीट अगर आ भी गया तो बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं बोला कि आएगा नहीं। बट कुछ चैप्टर्स बहुत मीन जिसे बोलते हैं काफी फेमस होते हैं अपने कंपटीशन के क्वेश्चंस के लिए, उनमें से एक पार्ट तो मैंने आपको दिखाया भी जो हमने शीट्स की थी दो लेक्चर में काइनेटिक थ्योरी के ऊपर स्पेशली क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें क्लास में किए। सैटरडे को जो मैंने भी एडवांस क्लास की थी उसके अंदर वो आईआईटी के आए हुए सारे क्वेश्चन थे जो मैंने अभी सॉल्व करवाए। और इसके अलावा जो अभी ये जो चैप्टर है इसमें से मींस अगर आप लगाओ कि अगर थर्मोडायनेमिक्स में से क्वेश्चन आया तो या तो फर्स्ट लॉ के अंदर से आएगा, और एक और जो अगली एडवांस क्लास है वो भी फर्स्ट लॉ खत्म नहीं किया मैंने, उसका भी दो सीक्वेंस और एक सीक्वेंस पढ़ा है भी जो आया हुआ है। तो अभी इसके अंदर जो क्वेश्चन है या तो उसमें से आएगा जो मैंने शीट्स आपको करवाई मींस लिख के, या फिर इसमें से आएगा, मतलब दोनों की इक्वल प्रायोरिटी है। अगर उसमें से नहीं आएगा तो इसमें से पक्का आएगा। तो ट्रांसफर ऑफ हीट अगर हम बात करें तो सुनने में बड़ा आसान लगता है, कुछ भी नहीं है, बस हीट को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह। तीन तरीके हैं अगर आप ऐसा करना चाहते हो। एक जो हीट है वो हॉट बॉडी से हमेशा कोल्ड बॉडी की तरफ ही जाएगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे भी जाएगी तीन तरीके हैं। पहला तरीका जिसको आप बोलते हो कंडक्शन, दूसरा तरीका जिसको बोलते हो कन्वेक्शन, और लास्ट रेडिएशन। सो अगर आप कंडक्शन की बात करो, कंडक्शन वर्ड सॉलिड्स के लिए यूज होता है। अगर
अगर एक रॉड रॉड गर्म है, ठीक, मान लो ये वाला एंड बहुत 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 गर्म है, तो हीट जो है वो हॉट टेम्परेचर बॉडी में से कोल्ड टेम्परेचर की तरफ जाना शुरू कर देगी अपने आप। ये कंडक्शन है। ये कैसा कंडक्शन है? कंडक्शन में क्या होता है, बेसिकली जो एटम्स हैं वो बहुत ज्यादा थर्मल वाइब्रेशन, थर्मल एनर्जी की वजह से वाइब्रेट करते हैं। तो अगर मान लो कि अगर आप सब एटम्स हो और आप एक रॉड के पार्ट हो, आप जो बैठे हुए हो, और मान लो ये एरिया में बहुत गर्म कर देता हूं, तो ये बहुत जोर जोर के हिलना शुरू कर देंगे, तो ये जब हिलेंगे तो ये अपने साथ वाले एटम को हिला देंगे। टाइटली क्लोजली पैक्ड है ना सॉलिड, तो अगर ये हिल पड़े तो ये इनको हिला देंगे, ये हिल पड़े उनको, जहां जहां तक थर्मल वाइब्रेशन जाती रहेंगी वहां वहां तक हीट ट्रेवल करती रहेगी। जहां क्योंकि जैसे जैसे हीट वाइब्रेशन आगे ट्रेवल कर रही है तो उनकी वाइब्रेशन भी कम होती जा रही है, और एक टाइम पर वो एकदम जीरो हो जाएंगी, इसका मतलब हीट क्या हो गई, बस खत्म हो गई। तो ये कंडक्शन है। तो कंडक्शन के अंदर एक एटम दूसरे एटम को जो एनर्जी ट्रांसफर करता है, एंड सो पहला स्टेप क्लियर है, ये कंडक्शन है। कन्वेक्शन की बात करते हैं। कन्वेक्शन तो आप रोज देखते हो, कैसे आप पानी गर्म कर रहे हो गैस के ऊपर, तो क्या होता है कि जब पानी गर्म होगा तो नीचे के मॉलिक्यूल फायर के कॉन्टेक्ट में है, हीट के कॉन्टेक्ट में है, वो गर्म हो जाएंगे। जब वो गर्म होते हैं तो हल्के हो जाते हैं, तो जो गर्म मॉलिक्यूल्स हैं वो जो लाइटर होते हैं एज कम्पेयर टू दी ओल्ड मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा, वो गर्म ऊपर आ जाएंगे, ठंडे नीचे आ जाएंगे, फिर ठंडे गर्म हो जाएंगे, फिर वो ऊपर चले जाएंगे, जो और ठंडे हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो तब तक ये साइकिल चलता जाएगा जब तक सारे मॉलिक्यूल्स गर्म, और वैसे भी गर्म कैसे होंगे, क्योंकि जैसे वो गर्म होगा ऊपर जाएगा, इतने में वो वाला नीचे आ जाएगा। तो ये एक साइकिल है। और रादर सिर्फ लिक्विड ऐसे गर्म नहीं होते, गैसेस भी तो ऐसे गर्म होती हैं। ये जो हवा चलती है बाहर, विंड्स, कन्वेक्शनल विंड्स, सुना नहीं? तो कन्वेक्शनल विंड्स क्या होती हैं, अर्थ का टेम्परेचर इतना गर्म हो जाता है, स्पेशली गर्मियों में चलती हैं, तो वो जो एयर है उसके कॉन्टेक्ट में बहुत गर्म हो गई और वो लाइटर हो गई, लाइटर होगी तो ऊपर चली गई, तो उसकी जगह ठंडी हवा रिप्लेस करेगी उसे। जब ठंडी हवा चलेगी तो हम बोलते हैं कि चलो हवा चल पड़ी। तो बेसिकली ये कन्वेक्शनल विंड्स हैं। तो पॉइंट क्लियर है, प्रिंसिपल क्लियर है इनका। तो लिक्विड और गैसेस कन्वेक्शन के थ्रू गर्म होती है, ठीक, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड और गैसेस के अंदर दूर दूर होते हैं, तो थर्मल एनर्जी ऐसे पास नहीं होती इनमें। तो इसलिए कंडक्शन सॉलिड्स के लिए, कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस के लिए। लास्ट है आपका रेडिएशन। जब हम बात करते हैं रेडिएशंस की, हम मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपकी रेडिएशंस हैं, मॉलिक्यूल्स हो या ना हो, रेडिएशन ने तो क्रॉस कर जाना है मीडियम को। सबसे बेस्ट एग्जांपल सनलाइट है। सन की लाइट आ रही है, जो लाइट आ रही है तो कोई मीडियम नहीं है, फिर भी वो ट्रेवल कर रही है। कोई ऐसा तो नहीं कि मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है, मॉलिक्यूल तो हीट लेके नहीं आ रहा, फिर भी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वेव बोल सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आपकी एनर्जी ट्रेवल करेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। इसका एक और एग्जांपल है रेडिएशन का, आप बहुत चीज को गर्म करके रख दो, लोहा बहुत गर्म है, दूर से आपको उसकी गर्मी फील होगी, तो क्या हो रहा है, क्या उसके एयर के मॉलिक्यूल गर्म हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, उसमें से रेडिएशन अपने आप निकलनी शुरू हो जाती है, और तब तक निकलती रहती है हॉट बॉडी में से रेडिएशन जब तक कि वो ठंडी नहीं हो जाती। तो गर्म बॉडी हमेशा एटमोस्फेयर में हीट को क्या करती रहेगी, जो है ट्रांसफर करती रहेगी, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सो तीन चीजें हो गई, बस इसी को हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। कंडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तीन तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन के अंदर मैंने बता दिया कि सॉलिड गर्म होते हैं, सो इसमें जो है आपके मॉलिक्यूल्स या जो भी एटम्स हैं आपके हीट ट्रांसफर करते हैं। जो करने वाली चीज है उसमें यही है, एक ही चीज है कंडक्शन के अंदर, क्या, एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यूनिट्स एंड डायमेंशन याद आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, अरे पहला लेक्चर था जब आप आए थे, 35वां 40वां फॉर्मूला होगा ये कम से कम, क्योंकि एंड में जाके हमने ये किया था और कुछ ग्रेविटेशन के फॉर्मूलाज भी थे, और मैं हमेशा बोल रहा था कि जैसे जैसे चैप्टर क्लोज होगा हम एक एक क्वांटिटी पढ़ेंगे। तो ये टाइम आ गया थर्मल कंडक्टिविटी का, और एक्सप्रेशन फॉर थर्मल कंडक्टिविटी में करने के लिए एक चीज समझो, क्या है थर्मल कंडक्टिविटी बाद में समझते हैं, पहले इस चीज को देखो। ये मान लो एक क्यूबॉइड है, और प्लीज हम टॉपिक कौन सा स्टडी कर रहे हैं, कंडक्शन, तो मैं ये
क्या बोलूं कि ये लिक्विड है सॉलिड है, तो क्या बोलूं कि ये एक क्यूबॉइड अंदर से खाली है, नहीं ये भरा हुआ है क्योंकि एयर हो सकती है बट मैं इसको सॉलिड लूंगा क्योंकि मेरे को कंडक्शन दिखानी है, अगर मैं भरूंगा नहीं तो मैं कंडक्शन कैसे दिखाऊंगा। तो मान लो ये एक सॉलिड क्यूबॉइड है या क्यूब है, सो मैंने क्या किया इसके दो फेसेस को गर्म कर दिया। सो मैंने ये जो यहां टेम्परेचर थीटा वन, यहां टेम्परेचर थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर दिया। हमारा काम सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करने का है, हीट तो अपने आप ही ट्रेवल करना शुरू कर देगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर। सपोज थीटा वन से थीटा टू टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इसके अंदर से बाई कंडक्शन फ्लो ऑफ क्या हो गई, हीट हो गई। कितनी हीट फ्लो कर रही है मान लो क्यू, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है जो क्यू है दैट इज प्रोपोर्शनल टू सबसे पहले एरिया ऑफ एरिया इन कॉन्टैक्ट। ये जो एरिया चल रहा है ना ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, बस ये वाला, ये इतने एरिया को आप क्या कर रहे हो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर रहे हो। तो अगर एरिया बड़ा होगा तो ज्यादा हीट ट्रेवल कर पाएगी, एरिया कम होगा कम हीट ट्रेवल कर पाएगी। मान लो आपको इस पैन में से हीट पास करनी है, आप इसको थीटा वन पे रखते हो तो इसमें से हीट पास हो गई। अगर मान लो पेन की जगह अगर आपको एक पूरी दीवार, मान लो ये सॉलिड पोर्शन है कोई, पूरी की पूरी दीवार को थीटा वन मेंटेन कर दोगे तो बहुत एटम वाइब्रेट हो जाएंगे और बहुत सारी हीट क्या कर जाएगी ट्रेवल कर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। नंबर टू, जो क्यू है सबसे बड़ी बात, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतनी ही हीट ट्रांसफर हो जाएगी ट्रेवल करेगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो हीट की वैल्यू भी कम जाएगी। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, टाइम की बात करें, इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। एक घंटे के लिए टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करोगे ज्यादा हीट ट्रेवल कर जाएगी, अगर करोगे एक मिनट के लिए तो हीट भी कम जाएगी। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? सो तीसरी चीज भी हो गई। नेक्स्ट एक और चीज है, ये डिस्टेंस डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस डी। क्यों? सोचो एक स्टूडेंट ने मेरे को पेन, ये सपोज 20 सेंटीमीटर लंबा पेन दिया, बोला कि सर सपोज की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, हीट को पास करो। मैंने थीटा वन थीटा टू किया, हीट पास हो गई। फिर एक और स्टूडेंट आया, उसने क्या कहा कि नहीं सर ये पेन की लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर नहीं है, 2 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब मैं क्या करूंगा? तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में हीट बीच में, ऑब्वियसली अगर मान लो टी टाइम के लिए पास करते हो हीट वहां ट्रेवल कैसे करेगी। इसका मतलब है जितना छोटा डिस्टेंस होगा इन एरियाज के बीच में उतनी ही ज्यादा हीट ट्रेवल करेगी इन अ स्पेसिफाइड टाइम। अब आप 10 दिन के लिए हीट को अगर इतने लंबे पेन पे लगा के रखोगे तो उसमें क्या होगा, फिर तो हीट ट्रेवल करी जाएगी फॉर अ गिवन टाइम, फॉर अ गिवन टाइम। तो जितना छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हीट उतनी हीट ट्रेवल कर पाएगी। तो ये चीज भी क्लियर है? तो ठीक है, हम एक काम करते हैं इनको कंबाइन कर लें। क्यू इज प्रोपोर्शनल टू, तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्या, ए टेम्परेचर डिफरेंस टाइम अपॉन डी। एक चीज रह गई, क्या कॉन्स्टेंट तो है, वो कॉन्स्टेंट क्या बताएगा? देखो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, दो ऐसे दो रॉड्स को स्टूडेंट ले आया, एक लोहे की बनी हुई थी दूसरी वुड की बनी हुई है लकड़ की। अब करो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन। अब वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट कहां से ट्रेवल करवाओगे, नहीं करेगी। ये आपकी जो आपका आयरन है इट इज अ गुड कंडक्टर, कॉपर है गुड कंडक्टर, मींस अब कितना गुड कंडक्टर, कोई तो सब्सटेंस ऐसा होगा जो जो बहुत गुड कंडक्टर है, एकदम बहुत सारी हीट कंडक्ट करता है, कोई नहीं करता। तो यानी कि आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, एक फैक्टर लेना पड़ेगा जो कि कांस्टेंट लगा के सॉल्व होगा, के ए थीटा वन थीटा टू टी डी। इस के को बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशियंट एक नंबर होता है, थर्मल का मतलब हीट, कंडक्टिविटी का मतलब कौन कितनी हीट कंडक्ट करेगा, जो करेगा ही नहीं गुड प्लास्टिक क्या होगा, के की वैल्यू एकदम
जीरो. तो जितने बैड कंडक्टर्स हैं उनका के एकदम जीरो, जो बहुत गुड कंडक्टर है के ज्यादा, के ज्यादा तो क्यू की वैल्यू भी ज्यादा. क्लियर हो गया यहां तक? तो ये फॉर्मूला रहेगा के ए थीटा वन माइनस थीटा टू टी अपॉन टी. कोई डाउट इसमें? अब इसमें एक चीज देखो कि आप ऐसा कर सकते हो क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू के ए. पहले क्यू का फॉर्मूला लिखते हैं के ए थीटा वन थीटा टू टी डिवाइडेड बाई टी. तो क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू के ए थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन डी. क्यू अपॉन टी, देखो इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. चार्ज अपॉन हीट, नहीं हीट नहीं, चार्ज अपॉन टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट. इसमें हीट अपॉन टाइम इज हीट करंट. तो कभी कभी क्यू अपॉन टी को हम बोलते हैं ये क्या आ गया? हीट का करंट आ गया. अमाउंट ऑफ हीट जो जा रही है पर यूनिट टाइम इज हीट करंट. कोई डाउट इसमें? ठीक है ना यहां तक? नेक्स्ट है क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू डी के ए. कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हम ऐसा कर सकते हैं ना. मैं नीचे ले आया इसे. इलेक्ट्रिसिटी में आपने की सुनी हुई है करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर. पोटेंशियल डिफरेंस को वी बोलते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस मीन वी. तो हम क्या बोलते हैं? वी इज इक्वल टू आई इंटू आर या आई इज इक्वल टू वी बाय. ठीक है, कंपेयर करें करंट करंट. पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी में होता है, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है ना? करंट इज टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रिसिटी की टर्म है. हम क्या बोल सकते हैं? थर्मल हीट रेजिस्टेंस. क्लियर है यहां तक? ये बात सबको समझ आ रही है? तो इसमें मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं विद इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा विद इलेक्ट्रिसिटी तो मेरे पास क्या आएगा? हीट करंट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय व्हाट? थर्मल रेजिस्टेंस. और थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना, दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय के इनटू ए. ठीक है सर? कोई डाउट इसमें? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ठीक, मैं बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करने हैं. और आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस इज सीरीज एंड पैरेलल. ऐसे इसमें दो रॉड को सीरीज में लगा देगा, पैरेलल में लगा देगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा. करेंगे इसे, पर अभी रुको. क्लियर है? क्योंकि एकदम टॉपिक फिर कंपटीशन की तरफ चला जाएगा. अभी एकदम एक लेवल में यहां तक क्लियर है तो वो यहीं तक नोट करके रखो. नेक्स्ट है के इज, आगे देखो प्लीज, के इज क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आ गई. देखो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है और मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं. मैथमेटिकल डेफिनेशन बुक्स में हमेशा लिखी होती हैं कि अगर सपोज करो क्या करें, एरिया भी वन हो जाए, डी भी वन हो जाए, टेम्परेचर डिफरेंस भी वन हो जाए, टाइम भी वन हो जाए, तो के की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? क्यू के. तो खुद बना लेना डेफिनेशन कि के थर्मल कंडक्टिविटी इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फेस टू अनदर फेस. जब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वन होगा. डिस्टेंस बिटवीन टू एरियाज या टू क्रॉस सेक्शन वन होगा, वन यूनिट होगा. टेम्परेचर डिफरेंस भी वन होगा और टाइम की वैल्यू भी वन सेकेंड होगी. तो इसको अपना एक बार देखना. और यूनिट्स एंड डायमेंशन में हमने किया हुआ है, इसके यूनिट्स भी किए और डायमेंशन भी किए हुए हैं. और लास्ट जो है थर्मल कन्वेक्शन है. कन्वेक्शन का मेथड है, डेफिनेशन थोड़ा पूछेगा कि व्हाट इज थर्मल कन्वेक्शन. तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया व्हाट इज थर्मल कन्वेक्शन. रेडिएशन भी मैंने आपको बता दिया कि रेडिएशन क्या होती है. और ये तीन तरीके होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं. कन्वेक्शन के ऊपर तो मैंने नहीं देखा कोई टॉपिक बहुत डिटेल में आपकी किसी बुक में गिवन है. दो ही डिटेल्स आपके इस चैप्टर में है, एक कंडक्शन जिसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम, और दूसरा रेडिएशन. तो रेडिएशन के अंदर हम रिफ्लेक्टेंस एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस को डिस्कस करेंगे इसमें. एंड इसमें बेसिकली
करना क्या है, एक चीज होती है, जाते हुए सुन लो, अगर सन से कोई हीट आ रही है, कोई हीट आ रही है क्यू, बॉडी पड़ी हुई है, ये क्यू हीट इस बॉडी के पास आई एंड ये बॉडी क्या करेगी, कुछ हीट को रिफ्लेक्ट कर देगी, बॉडी चमकती है, एक्सेप्ट नहीं करती हीट को, रिफ्लेक्ट कर देती है, बाकी जो हीट है वो रख लेगी, जो रखी हुई हीट है उसमें से कुछ देर के लिए अपने पास एब्जॉर्ब करके रखेगी, और जो एब्जॉर्ब किया उसमें से कुछ हीट को रेडिएशन की फॉर्म में ट्रांसमिट कर देंगी। ठीक है, देखो 100 जूल की एनर्जी आई, 20 तो मैंने ली नहीं, रिफ्लेक्शन हो गया, 80 ले ली, 80 में से साई तो रखूंगा नहीं, बॉडी ठंडी होगी, कैसी होगी, अपने अंदर से रेडिएशन पास करेगी, तो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन पास होती रहती है, ट्रांसमिट होती रहती है, ए कम होता रहता है, टी बढ़ता रहता है, कहने का मतलब कि कुछ टी है कुछ ए है, सच दैट एनर्जी कंजर्वेशन सेज दैट क्यू इज इक्वल टू आर प्लस ए प्लस टी, राइट, ठीक, तो आर प्लस ए कंडक्टेंस अंदर ही है तो मेरे पास ही, तो कंडक्शन करता रहे, इधर का पार्ट इधर का दे दे, इधर का इधर दे दे, क्या फर्क पड़ता है, तो पॉइंट क्लियर है, रिफ्रैक्शन नहीं होती इसमें, सॉलिड से पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक, फिर इसको हम नेक्स्ट टाइम खत्म करेंगे इस चैप्टर को, और जल्द से जल्द SHM वेव्स पे पहुंचेंगे, क्योंकि दो लेक्चर फिर भी लगाएंगे इस पे,